नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। राजस्थान के कई शहरों में गायों में लगातार बढ़ रहे लंबी संक्रमण ने जहां राज्य सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है, राज्य के पशुपालकों की धड़कनें भी बढ़ा दी है। अपने पालतू पशुओं की अपनी आंखों के सामने बड़ी संख्या में हो रही मौत को लेकर प्रदेश का हर पशुपालक चिंतित और परेशान नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह भी है, अगर इस दिशा में बड़े पैमाने के साथ ही युद्ध स्तर पर इससे निपटने की कवायद नहीं शुरू की गई तो प्रदेश में पशुपालकों को तो नुकसान होगा ही, लेकिन प्रदेश में सप्लाई होने वाले दूध को लेकर भी बड़ा संकट सामने आ सकता है। चिंता इस बात से भी बढ़ रही है कि इस दिशा में सरकार की ओर से तो कदम उठाए गए हैं, लेकिन यह कदम फिलहाल नाकाफी लग रहे हैं। अब राजस्थान के साथ ही यह संक्रमण अन्य प्रदेशों में भी अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद यहाँ सवाल यह भी खड़ा होने लगा है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में गायों की मौत होती है तो प्रदेश में आने वाले दिनों में दूध उत्पादकों के लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि प्रदेश में वर्तमान में लंपी संक्रमण को लेकर कैसे हालात है। राजस्थान में लंपी वायरस अपने पैर पसार रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 16 जिलों में इसका संक्रमण बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक इस बीमारी से 94,000 से ज़्यादा गोवंश संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 4,296 पशुओं की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, लंपी बीमारी से प्रदेश के 16 जिलों में सर्वाधिक बाड़मेर और श्रीगंगानगर जिले प्रभावित हुए हैं, जहां पर 830 से 840 गोवंश की मौत हुई है। इधर राज्य सरकार ने इस बीमारी को लेकर पशुपालन मंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी से गायें ही प्रभावित नजर आ रही है। सरकार ने इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर के जिलों की स्थिति की जानकारी मांगी है। राज्य सरकार लंपी डिजीज का संक्रमण रोकने के लिए एहतियातन कुछ नए कदम भी उठा सकती है। संक्रमण काल के दौरान राजस्थान एक जिले से दूसरे जिलों में पशुधन का आवागमन रोकने के साथ ही गौशालाओं में संक्रमित गायों को आइसोलेट करने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। राज्य के 15 जिलों में लंपी वायरस का संक्रमण फैलने के बाद अब सरकार राज्य में पशु मेलों के आयोजन पर भी संक्रमण काल के दौरान रोक लगा सकती है। तो देखा आपने, यह घातक संक्रमण किस तरह से प्रदेश में पशुओं की जान का दुश्मन बन चुका है। हाँ, इसके लगातार बढ़ते आंकड़ों के बाद तो यह साफ हो ही गया है कि अगर सरकार द्वारा इसे और गंभीरता से नहीं लिया गया और इस दिशा में माकूल इंतजाम नहीं किए गए तो यह आने वाले दिनों में प्रदेश के लिए बड़ी मुसीबत बनकर उभरने वाली है। क्योंकि अगर इन गायों का बड़े स्तर पर अभियान चलाकर इनका इलाज कर इन्हें नहीं बचाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब यहाँ दूध के दाम आसमान छूते नजर आएंगे। राजस्थान के साथ ही हरियाणा में यह संक्रमण तेजी से गायों में फैल रहा है, जिसके बाद खट्टर सरकार भी इस दिशा में कदम उठाती दिख रही है। राजस्थान के साथ ही हरियाणा में भी लंपी स्किन वायरस का प्रकोप पशुओं में लगातार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग 8,127 पशु लंपी वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हुए हैं, जबकि 106 पशुओं की मौत होने की भी खबर आ रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ती गायों के मौत के बाद हरियाणा सरकार ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इन पशुओं को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। हरियाणा के सभी जेलों में भी लंपी संक्रमण पशुओं में तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने पशुओं को इस संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का काम भी शुरू कर दिया है। हरियाणा सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश के सभी जिलों के गांवों में वैक्सीनेशन का जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में लंपी संक्रमण को लेकर लगातार हो रही गायों की मौत को लेकर ये थी हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें हमने प्रयास किया है कि जैसे भी हो प्रदेश में इस संक्रमण से मरती गायों को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 हफ्ते पहले तक इस संक्रमण ने करीब 4,500 गायों की जान ले ली है। अब भी अगर सरकार ने इस दिशा में युद्ध स्तर पर गायों को बचाने की दिशा में काम शुरू नहीं किया तो आने वाले दिनों में प्रदेश में जहां पशुपालकों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, वहीं प्रदेश में सप्लाई होने वाले दूध को लेकर भी बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। तो
ये थी वर्तमान में प्रदेश में लंबी संक्रमण को लेकर प्रदेश के हालातों को बयां करती हमारी खास रिपोर्ट। अगली कड़ी में हम आपको ऐसी ही किसी बड़ी खबर से रूबरू करवाएंगे। अब दीजिए इजाज़त और हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए पल पल राजस्थान।